प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में शराब की नई नीति में बदलाव किया है, जिसमें शराब को सस्ता करना और रात के 2 बजे तक शराब बार व होटलों में उपलब्ध रहेगी। इसको लेकर आज युवा कांग्रेस ने शिमला में कांग्रेस कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय शिमला तक एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि शराब को सस्ता करना और रात के 2 बजे तक परोसे जाना गलत फैसला है। इसके कारण प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ेगा और कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रदेश में जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा आम चीजों की कीमतों में कमी करने की बजाय शराब की कीमतों में कमी करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 दिन पहले प्रदेश की जयराम सरकार ने जो शराब नीति में बदलाव किया है और उसमें इन्होंने एक फैसला लिया है, जो शराब के लिए रात को जो 5 सितारा होटल है, टूरिज्म के जो होटल है और बार है, वो खुले रहेंगे 2 बजे तक। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि के लिए, क्योंकि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अगर रात को 2 बजे तक इसी तरह से शराब का काम चलता रहा और रात को जब 2 बजे होटल और बार और 5 सितारा और टूरिज्म के जो होटल है वो बंद हो जाएंगे, उसके बाद जो व्यक्ति नशे की हालत में बाहर निकलेगा तो सड़कों पर वो हुड़दंग मचाएगा और उससे क्या होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, हत्याएं, डकैती, चोरी, लूटपाट और छेड़छानी के मामले। ऐसे प्रदेश के अंदर जो शराब की तस्करी हो रही है, चिट्टा इस प्रदेश के अंदर आ रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जयराम सरकार इस विषय में बिल्कुल भटक चुकी है, सफल साबित हुई है। क्या रोजगार देने के बजाय प्रदेश के अंदर शराब को प्रमोट किया जा रहा है। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।